हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आप बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक सर्किट की, जो कि एयर गैप के साथ में होगा। इस कोर में आप देख सकते हो जो अपनी एक ट्रांसफार्मर की कोर है, इस कोर को आपने यहाँ से कट कर दिया है। मतलब कि यहाँ पे ये कोई भी अपना मैग्नेटिक पाथ क्लोज नहीं है, ये एयर के थ्रू यहाँ से लिंक होगा खाली। तो इस कोर में आपने यहाँ पर एक वाइंडिंग दे दी है जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न है और आप उसमें आई करंट फ्लो करेंगे। जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पे फ्लक्स होगा जो यहाँ से तो इस कोर के अंदर पास करेगा, लेकिन यहाँ पे एयर के अंदर कैसे पास करेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। लाइक आप यहाँ पे कोई भी ये फ्लक्स लेते हैं जो इसके अंदर से पास कर रहे हैं, यहाँ तक आएगा। ये हमने इसमें फ्लक्स ले लिया, यहाँ तक तो ये ऐसे पास करेगा। यहाँ पे देखेंगे, आपको पता है कोर के अंदर से जब भी फ्लक्स पास करता है उसके पास एक लिमिटेड एरिया होता है उसमें पास करने का। तो यहाँ पे फ्लक्स की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही लाइंस दिखाई हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स एन नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे जो फ्लक्स की होगी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे एक लिमिटेड एरिया में बहुत लार्ज अमाउंट में जो फ्लक्स पास करेगा, लेकिन एयर में क्या करेगा, उसके पास यहाँ पे कोई एरिया की कमी नहीं है। यहाँ पे वो जरूरी थोड़ी है यहाँ से डायरेक्ट ही आएगा, वो हो सकता है इस तरह घूम के आए, ये वाला इस तरह से घूम के आए, जो अलग फ्लक्स है वो यहाँ सीधा घूम के आ जाए। तो यहाँ पर एरिया उसके पास ज़्यादा हो जाता है, फ्लक्स उतना ही रहता है। तो यहाँ पर आपको पता है फ्लक्स डेंसिटी एयर में कम हो जाएगी, बिकॉज अपने को पता है अपना फॉर्मूला इसका फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है। फ्लक्स डेंसिटी आप मेनली इसी से डिनोट करते हैं, बी इक्वल टू में फाइव एरिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे अपने पास एरिया ज़्यादा हो गया, तो एरिया यहाँ पे बड़ा है तो फ्लक्स डेंसिटी अपने आप ही हमारी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ इसमें अपनी फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो अपन इसके अंदर जैसे भी फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसा होता है, इस इफेक्ट को आप बोलते क्या है सबसे पहले तो वो देखिए। जो इस इफेक्ट को बोलते हैं आप फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं, ड्यू टू अपनी जो कोर होती है जो एयर में होती है, या फिर आप इसमें कोर कट कर देते हैं या फिर एयर गैप होता है उसके कारण फ्रिंजिंग इफेक्ट आता है। मोस्टली क्वेश्चंस में आपने देखा हुआ या तो फ्रिंजिंग इफेक्ट दिया होता है, तो फ्रिंजिंग इफेक्ट जब दिया होगा तो फ्रिंजिंग इफेक्ट की वैल्यू जो होती है हमेशा क्वेश्चन में गिवन मिलेगी आपको, नहीं तो क्वेश्चन में मोस्टली ये दिया मिलता है फ्रिंजिंग इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड। उस टाइम आप पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि ये फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या आ गया, आपने कभी उसके बारे में पढ़ा नहीं। तो फ्रिंजिंग इफेक्ट कुछ नहीं होता, खाली ये इसी एयर गैप के बारे में दिया होता है जो मोस्टली उसमें नेग्लेक्टेड होता है। तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं आप देख लेते हैं इसमें। वो जो फ्रिंजिंग इफेक्ट नेग्लेक्ट हो जाता है उस केस में अपना क्या करता है, यहाँ से फ्लक्स आएगा और डायरेक्ट जो फ्लक्स लाइंस थी वैसे सेम जैसे एयर में अपना सॉरी कोर में जैसे फ्लक्स पास हो रहा था, सेम उसी तरह से एयर में भी उसी तरह से पास होगा जब अपना फ्रिंजिंग इफेक्ट नेग्लेक्ट हो जाता है। तो इस केस में आप देखेंगे जो इसके बीच का ये डिफरेंस है, मतलब कि जो अपना एयर गैप है उसकी लेंथ को आप कोई भी नाम से डिनोट कर देते हैं, लेंथ ऑफ एयर गैप, ठीक है, एल जी नाम दे दिया आपने इसको। उसके बाद में आप लेंथ ऑफ कोर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कोर की लेंथ कहाँ से कहाँ लेनी है, हमेशा आप मीन वैल्यू से मीन वैल्यू लेके चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, और ये हमेशा ना तो आपको ये आउटर बाउंड्री यहाँ से यहाँ लेके चलनी है ना इनर बाउंड्री ये लेके चलनी है, हमेशा मीन टू मीन लेके चलना है, तभी आप उसकी लेंथ को काउंट कर सकते हैं। देखिए जैसे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक किया मैंने, इसको यहाँ से यहाँ तक किया, उसके बाद आप देखिए यहाँ से ये लिया मैंने, और इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक, और इसको ये अपनी आगे मेन लेंथ। तो इस मेन लेंथ को आप यहाँ पे कुछ भी डिनोट कर देते हैं, जैसे लेंथ ऑफ ये कोर की लेंथ है तो आप लेंथ ऑफ कोर के नाम से इसको डिनोट कर दिया। तो दूसरी बात, अपने को कुछ भी निकालने के लिए परमेबिलिटी की ज़रूरत होती है, परमेबिलिटी अपनी कोर की क्या है तो उसको आप लिख देते हैं परमेबिलिटी ऑफ कोर, म्यू से परमेबिलिटी होती है, सी से आपने इसको कोर को डिनोट कर दिया। यहाँ पे अपने एयर गैप, एयर गैप की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब अपना फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है या नहीं होता, आप उस टाइम देख लेते हैं। इसको म्यू नोट से डिनोट कर देता हूँ फ्रिंजिंग इफेक्ट के लिए। तो अपना सबसे पहले आप जो फ्लक्स निकालते हैं, आपको पता है अपना फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, MMF डिवाइड बाई टोटल रिलक्टेंस। अब आप पूछोगे यहाँ पे मैंने टोटल नाम क्यों लिया है, क्योंकि टोटल नाम इसलिए लिया है क्योंकि रिलक्टेंस है अपनी जो, पहले तो आप कोर के हिसाब से देखेंगे फिर एयर गैप के हिसाब से देखेंगे, नहीं तो अपनी सीधी अगर एक कोर में अपना सिर्फ फ्लक्स पास हो रहा था तो MMF बाय आप रिलक्टेंस ले सकते थे। तो सबसे पहले आप देखेंगे रिलक्टेंस ऑफ कोर कैसे निकालते हैं। तो रिलक्टेंस ऑफ कोर निकालने के लिए अपने को सबसे पहले तो देखिए मेन लेंथ पता होनी चाहिए अपनी कोर की, ठीक है, डिवाइड बाई परमेबिलिटी उसकी,
वो एरिया ऑफ कोर, एरिया ऑफ कोर मतलब इसके अंदर कितना एरिया अपना कोर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ये है सारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर कितने क्रॉस सेक्शन की अपनी कोर है, ठीक है, उसे अपन इसको डिनोट करेंगे। ये तो होगी अपनी रिलक्टेंस ऑफ कोर विदाउट एयर गैप वाली। अगर अपन यहीं पे एयर गैप वाली कोर की बात करें तो यहाँ पे रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप अपन ने जी से डिनोट किया था अपना कितना होगा, पहले अपने को पता है यहाँ कोर का निकाले तो अपन लेंथ ऑफ कोर लेके चले हैं इसमें, तो यहाँ पे अपन एयर गैप की अगर वो निकाल रहे हैं रिलक्टेंस, तो अपने को डिस्टेंस किसका लेके चलना है, एयर गैप का, जो अपन यहाँ पे लेंथ ऑफ एल जी से डिनोट कर रखी है इसकी लेंथ, ठीक है। उसके बाद में परमेबिलिटी अपनी यहाँ पे अपन कोर की परमेबिलिटी लेके चले थे, तो यहाँ पे अपन एयर गैप जो अपना है उसकी प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे, जो अपनी म्यू नोट से अपन ने डिनोट की हुई है। इसके बाद में आता है अपना पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल अपने को जब अपना फ्रिंजिंग इफेक्ट नेगलेक्टेड होता है तो अपने को सिंपल सी बात है कोर का एयर गैप ही लेके चलना है। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको फ्रिंजिंग इफेक्ट दिया है क्वेश्चन के अंदर तो आपको उसकी वैल्यू हमेशा दी हुई मिलेगी, आप वही पुट कीजिएगा, ठीक है। तो अपना आप देखें यहाँ पे कोर का आपने रिलक्टेंस काउंट कर लिया है और यहाँ पे आपने जो एयर गैप दिया हुआ है उसकी भी रिलक्टेंस काउंट कर ली है, तो अपना मैग्नेटिक जो सॉरी सर्किट बनता है इसका, तो सर्किट अपना कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पे अपना फोर्स कैसा हुआ, ड्राइविंग फोर्स होता है जो नंबर ऑफ टर्न इंटू में करंट आएगा, तभी तो अपना यहाँ पे फ्लक्स बनेगा स्टार्टिंग में इस वाइंडिंग में, तो वो हो गया। उस फ्लक्स को देने के बाद में अपना सर्किट से पास होगा और यहाँ पे लाने के बाद में अपना रेजिस्टेंस लगा देते थे, तो मैंने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगाए हैं। अब आप पूछोगे दो रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि अपने को पता है कोर अपनी है तो एक अपना कोर की प्रॉपर्टी के लिए जो आर सी आया है वो लेंगे अपना, और एक आर जी जो अपना एयर गैप के लिए थी रिलक्टेंस वो वाली लेंगे। तो अपना यहाँ पे अपन दोनों को जब भी ऐड करेंगे देखिए अपना आर सी प्लस में आर जी, ये कोर के लिए रिलक्टेंस और ये अपना एयर गैप के लिए रिलक्टेंस, तो अपनी टोटल रिलक्टेंस क्या आ जाएगी जिसको आप फाइव से डिनोट करते हैं, तो अपनी टोटल जो रिलक्टेंस सॉरी फ्लक्स आ गया वो एन आई जितना आप फोर्स दिया जो स्टार्टिंग में यहाँ पे देते हैं डिवाइड बाय आर सी प्लस में आर जी। आर सी अपने को पता है रिलक्टेंस ऑफ कोर और आर जी आपने लिया है जो एयर गैप के हिसाब से लिए, सेम इसी सर्किट के हिसाब से अपना ये फ्लक्स निकालना आ गया। तो ये था आपका फ्रिंजिंग इफेक्ट का, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक के दो दो नंबर में, तो फ्रिंजिंग इफेक्ट का आप याद रखिए सिंपल, मैंने आपको फ्रिंजिंग इफेक्ट जब नेगलेक्टेड हो तो आप इसी तरह से इसको निकाल सकते हैं, जब फ्रिंजिंग इफेक्ट दिया हो तो आपको इस चीज़ की वैल्यू दी हुई मिलेगी, आप वो पुट कर सकते हैं, तो अपना सर्किट सिंपली इसी तरह से बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होता है और कोर लेस हो ट्रांसफॉर्मर तो किस तरह से वर्क करता है। थैंक यू।